एल एल क्वेश्चन दैट इज 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन गेव 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड. यस दैट इज मेटल ऑक्साइड. सो 1.4 ग्राम ऑफ सेम मेटल, यहाँ पे पहले 2 ग्राम मेटल लिया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया है तो हमें 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड मिला है. यस देन 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल लिया है उसे हीट किया है तो हमें कितना मिला है 2.27 ऑफ ऑक्साइड मिला है मेटल ऑक्साइड. तो यहाँ पे विच लॉ वेरीफाइड बाय दिस डेटा, जो भी डेटा मिलेगा उससे कौन सा लॉ वेरीफाई हो रहा है. यस तो फर्स्ट रिएक्शन दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.2 माइनस 2 करेंगे यहाँ पे. दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड दैट इज 3.2 माइनस 2.0 वी विल गेट 1.2 ग्राम. नाउ परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, सो 1.2 डिवाइड बाय 3.2, सो हमें मिलेगा इनटू 100 करेंगे, परसेंट निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पे क्या करेंगे डैट इज इनटू 100. यस तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करो, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे 10^-1 कर दो, 10^-1 यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा 1232 इंटू 100, इसके साथ इसको इंटू कर दो, 200 इसके साथ आ जाएगा, 32 डिवाइड करो आंसर मिलेगा हमें डैट इज 37.5%. दिस इज द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन. यस देन नाउ परसेंट ऑफ मेटल निकालेंगे हम. परसेंट ऑफ मेटल डैट इज 2 ग्राम, 2 ग्राम दिया हुआ है, 2.0 डिवाइड बाय 3.2 डैट इज मेटल. मेटल का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मेटल का कितना मेटल ऑक्साइड डैट इज 3.2 इंटू 100. यस अगेन सेम पॉइंट हटाने के लिए 10^-1 यहाँ पे 10^-1 करोगे पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा डैट इज 20 डिवाइड बाय 3.2 इंटू 100. सो यहाँ पे 20 यहाँ का 20 यहाँ आ जाएगा डिवाइड बाय 32. यस जब डिवाइड करेंगे इसे तो हमें आंसर मिलेगा अराउंड 62.5 दैट इज परसेंट. यस नाउ सेकेंड रिएक्शन, जो सेकेंड रिएक्शन है यस डैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड, यहाँ पर कितना दिया हुआ है डैट इज मेटल ऑक्साइड 2.27. यस और सेम मेटल दिया है बट वहाँ पे चेंज है डैट इज 1.2 ग्राम दिया है बट मेटल सेम है, जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो हमें कितना मेटल ऑक्साइड मिल रहा है 2.27. यहाँ पे क्या करेंगे हम डैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 2.27 माइनस 1.42 हमें मिलेगा 0.85 ग्राम, हमें इतना मास मिला है. देन ऑक्सीजन का निकालेंगे हम यहाँ पे परसेंटेज एंड मेटल का, तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, मास पता है हमें 0.85 डिवाइड बाय हाउ मच दैट इज 2.27 दिस वन मेटल ऑक्साइड 2.27 इंटू 100. सो यहाँ पे इंटू करो पॉइंट हटाने के लिए इंटू 10^2 पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो माइनस 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 10^2 माइनस 2 पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज 85/227 इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा 8500 डिवाइड बाय 227 डिवाइड करो हमें आंसर मिलेगा डैट इज़ व्हाट 37.5
5. Then next, this is the percent of oxygen. Then percent of metal. How much given? That is metal 1.42. So here 1.42 divide by 2.27. Yes? 2.27 into 100. तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए 10^-2, हियर ऑल्सो 10^-2, पॉइंट हट जाएगा, 142 आ जाएगा, यहाँ पे 227 आ जाएगा, यस इंटू 100, 00 इनके साथ आ जाएगा, दैट इज 14200 डिवाइड बाय 227. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 62.5. यस सो अभी यहाँ पर देखो, फर्स्ट रिएक्शन था, 2 ग्राम मेटल लिया था, उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें मेटल ऑक्साइड मिला 3.2 ग्राम. 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल लिया, उसे हीट किया, बर्न किया तो हमें मिला 2.27 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड. तो फर्स्ट हमें जो ऑक्सीजन था उसका कितना मिला परसेंट, डैट इज 37.5. परसेंट ऑफ मेटल कितना मिला हमें, 62.5. देन सेकेंड रिएक्शन में यस परसेंट ऑफ ऑक्सीजन वी विल गेट 37.5 और मेटल का कितना मिला 62. जब आप दोनों को कंपेयर करोगे फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकेंड रिएक्शन, तो यहाँ पे 37.5 हियर 37.5 इज सेम. यस जो एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों का क्या आया है, परसेंटेज सेम आया है, वैसे ही मेटल का कितना आया है, सेम आया है. यस तो यहाँ पे ये कौन सा लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. यस कुछ याद आया लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, स्टेटमेंट क्या थी लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन की, दैट इज वॉट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट. दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन. तो ये कौन सा लॉ वेरीफाई करता है, इट वेरीफाई द लॉ ऑफ विच दैट इज डिफाइनाइट प्रपोर्शन. नेक्स्ट इज एम क्वेश्चन इज यून, दैट इज इन 2 moles ऑफ एसिटाइलडिहाइड. एसिटाइलडिहाइड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज CH3CHO. तो इसका 2 mole दिया हुआ है. यस सो हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन. तो यहाँ पे कार्बन जो है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डैट इज मोल ऑफ एसिटाइलडिहाइड इज CH3CHO यस इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो यहाँ पे एसिटाइलडिहाइड के 2 moles हैं, तो 2 इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, डैट इज 1 and 2. 2 into 2 यू विल गेट 4. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज हाउ मच, दैट इज 4. देन बी वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. यस सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिटाइलडिहाइड इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसिटाइलडिहाइड का तो 2 moles ही रहेगा हर जगह. नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज हाउ मच, डैट इज 3 and 1 4. सो 4 2 सा हाउ मच, डैट इज 8. देन नेक्स्ट इज वॉट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोल्स ऑफ एसिटाइलडिहाइड इज 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 1, तो क्या रहेगा यहाँ पे 2. यस देन डी क्वेश्चन इज वॉट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड. यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलडिहाइड, डेट इज CH3CHO में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. तो फॉर्मूला क्या होता है, डैट इज नंबर ऑफ मोल्स
of acetaldehyde CH3CHO into Avogadro number. So moles कितने हैं, that is 2. CH3CHO that is acetaldehyde का moles 2 है. And Avogadro number पता है क्या होता है, 6.022 into 10 to the power 23. Yes, calculate करेंगे तो हमें मिलेगा 12.044 into 10 to the power 23. Yes, this is very easy question. Next question is N. Calculate the number of moles of magnesium oxide in 80 gram and 10 gram of compound. Here magnesium ka atomic mass is given, that is 24, and oxygen is 16. So first of all, we will calculate the molar mass of magnesium oxide, that is MgO. Yes. So we will get magnesium is atomic mass 24, oxygen is 16. So we will get here, that is 40 gram per mole. Then first we have to calculate what, that is number of moles in 80 gram. Yes. So number of moles of magnesium oxide, that is small n se denote karte hain. Number of moles. So formula is mass of magnesium oxide upon molar mass of magnesium oxide. So mass of magnesium oxide is what? That is 80 gram. Yes, molar mass, that is 40. So we will get, that is 2 mole. Then second is 10 gram of compound में कितने number of moles of magnesium oxide present होंगे. So same formula, number of moles of magnesium oxide, that is MgO. तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10 दिया है gram mass, तो 10 upon molar mass is how much, that is 40. We will get 0.25 mole. So next is O question, that is what is the volume of carbon dioxide gas occupying by 5 moles and 0.5 moles of carbon dioxide gas. तो यहाँ पे हमें क्या find out करना है, volume of gas, that is in 5 moles and 0.5 moles. So यहाँ formula क्या होता है, number of moles in gas, gases में formula होता है volume of gas at standard temperature and pressure divided by 22.4 dm cube mole inverse. Yes, so फर्स्ट हमें 5 मोल्स के लिए फाइंड आउट करना है. यस yes? तो क्या करेंगे हम, ये जो वॉल्यूम है इसको इसके साथ इनटू कर देंगे हम. तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गैस ये साइड पे आप लिख लो, राइट एंड लेफ्ट एंड साइड पे, डैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी. यस, देन 22 इनटू नंबर ऑफ मोल. तो नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट हम किसके लिए ले रहे हैं, दैट इज फर्स्ट गिवन है 5 मोल्स के लिए. तो दैट इज 22.4 इंटू 5, वी विल गेट, दैट इज 112 डेसीमीटर क्यूब. देन सेकेंड 0.5 मोल्स के लिए फाइंड आउट करना है, तो सेम वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लेफ्ट साइड में लिखेंगे, देन 22 इंटू 4, नंबर ऑफ मोल्स क्या रखा है देंगे 0.5. सो आंसर मिलेगा 11.2 डीएम क्यूब. दिस इज द आंसर.